हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ओमेगा यूट्यूब चैनल पे। आज आपका टेस्ट हुआ है, विजय टेस्ट का चौथा टेस्ट था। उम्मीद है आप लोग का पेपर अच्छा हुआ होगा और हम अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के जो आपके टेस्ट में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से केमिस्ट्री चालू होती है, जिसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें क्या पूछा है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? स्टेबिलिटी आप कार्बोकैटायन देखने के लिए, प्लस एम स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, प्लस एच बढ़ाता है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को, फिर प्लस आई बढ़ाता है, और जितने भी जैसे माइनस एम हो गया और ये माइनस एच हो गया और ये माइनस आई हो गया, ये स्टेबिलिटी को घटाते हैं। किसके? कार्बोकैटायन की। तो हम देखते हैं सबसे पहले कार्बोकैटायन का, अगर हमें देखना है स्टेबिलिटी तो सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, फिर देखेंगे एम इफेक्ट, फिर देखेंगे एच, फिर देखेंगे एच। सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंस, फिर देखते हैं एम, फिर देखते हैं एच, फिर देखते हैं आई। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये कार्बोकैटायन, ये भी कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है और ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, और इसमें प्लस एम, एच और आई है नहीं। तो हम अब देखते हैं सारे रेजोनेंस में है, सारे कार्बोकैटायन क्या है? रेजोनेंस में है। ठीक है, अब देखते हैं किसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो इसमें देखो, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगा, ये एक ही बार कॉन्जुगेशन में है और ये कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है ना, तो पाई पाई ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ ये भी कॉन्जुगेशन में है लेकिन इसका कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल पहला हो जाएगा कार्बोकैटायन स्टेबल। ठीक है, देख लो एक बार, पहला आंसर है इसका 51 हो गया। 52 नंबर में चलते हैं, देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन। हम इसमें स्टेबिलिटी देखते हैं, पहला देखो, पहला क्या है? पहला हमारे पास क्या है? बेंजीन है, CH2+ है। ठीक है, CH2+ है, ये CH2+ है, CH2+ और ये है बेंजीन। और दूसरा क्या है? इसमें मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH लगा है। ये हो गया एक नंबर, दूसरा नंबर पे क्या है? दूसरे पे बेंजीन है और क्या लगा हुआ? CH2+ है। और क्या पैरा पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे OH लगा है, पैरा पोजीशन पे OH लगा है। और तीसरा CH2+ और यहाँ पे क्या लगा? यहाँ पे कुछ नहीं लगा है। ठीक है, और यहाँ CH2+ और कौन से पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे COH लगा हुआ है। ठीक है, COH लगा हुआ है, जिस पे पैरा 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस देखेंगे, फिर यम देखेंगे, फिर एच देखेंगे, फिर आई देखेंगे। ठीक है, और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्लस यम, प्लस एच, प्लस आई बढ़ाते हैं, माइनस यम, माइनस आई घटाते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की कमी है, जो इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा यहाँ पर वो स्टेबल ज़्यादा करेगा। तो OH क्या यहाँ लगाएगा? यहाँ लगाएगा माइनस आई। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस नहीं होता, सारे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहे हैं, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज। मतलब रेजोनेंस से नहीं पता चल रहा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। अब कहाँ जाएंगे? यम इफेक्ट पे जाएंगे, मीजोमेरी इफेक्ट पे। यहाँ OH, यम इफेक्ट क्या होता है? यहाँ पे लगता नहीं है यम इफेक्ट, ये OH क्या लगाएगा? यम इफेक्ट लगाएगा, पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। यहाँ ये COH क्या लगाता है? माइनस यम लगाता है। ठीक है, ये माइनस यम लगाएगा तो क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की और कमी करेगा ये, ठीक है, पहले से कमी है और कमी करेगा, और ये प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा इसकी कमी पूरी होगी तो ये इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, और ये माइनस आई लगा रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम करेगा, पहले से ही कम है तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, ठीक है, तो ये प्लस एम लगा रहा है, प्लस एम सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस एम कौन सा है, दूसरा, ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, दूसरा सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, और सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, माइनस एम वाला, माइनस एम स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, तो दूसरा, फिर चौथा सबसे कम हो जाएगा, कौन सा, चौथा, सबसे कम चौथा, अब कौन सा हो गया, दूसरा हो गया, चौथा हो गया, इनमें कंपेयर कर लो, ये माइनस आई लगा रहा है, ठीक है, माइनस आई लगा रहा है, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, ना माना माइनस आई है ना प्लस आई है, ठीक है, तो ये इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद इससे ज़्यादा स्टेबल, इससे थोड़ा कम स्टेबल ये होगा, कौन सा, तीसरा, ठीक है, उसके बाद ये माइनस आई लगा रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है पहला, तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, प्लस एम, प्लस एम वाला क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, माइनस एम वाला क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो गया और सबसे कम स्टेबल ये हो गया, फिर इस दोनों में देख लो, ये माइनस आई इसकी स्टेबिलिटी को घटाएगा, और ये यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, ये घटा रहा है लेकिन यहाँ कोई नहीं है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, फोर्थ ऑप्शन सही है, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, 52 का ऑप्शन नंबर फोर्थ देख लो एक बार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर आपको लिखना है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज्यादा ओ आर टू प्लस माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर लिख रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर ओ आर टू प्लस एन आर थ्री प्लस फिर एन एच थ्री प्लस फिर एन ओ टू हो जाता है, एन ओ टू फिर सी एन, सी एन फिर सी ओ ओ एच, सी सी ओ ओ एच फिर एक्स आ जाता है, एक्स के बाद ओ एच आ जाता है, फिर एन एच टू आ जाता है, ठीक है, इसके बाद भी आते हैं ई टी सी। अब इसमें देखो माइनस आई का आर्डर हमसे पूछ रहा है, माइनस आई का आर्डर, ठीक है, तो देखो कौन सा है, एन ओ टू, एन ओ टू के बाद सी एन, सी एन के बाद हेलोजन, एन ओ टू सी एन फिर हेलोजन, एन ओ टू सी एन फिर हेलोजन ब्रोमीन, ये सही है, ये भी चेक कर लो, यहाँ देखो हेलोजन पहले आ जा रहा है लेकिन हेलोजन बाद में है, किसके, एन ओ टू के बाद में है, तो ये गलत हो गया। अब इसको देख लो, एन ओ टू ज़्यादा, एन ओ टू ज़्यादा ओ एच कम है, लेकिन इसका जो होता है इसका कम होता है, ये जो होता है ये कम होता है, ठीक है, ये सबसे बाद में आएगा, तो ये भी ऑर्डर गलत हो गया। एन एच टू, एन एच टू क्या है, एन एच टू ओ एच का ज़्यादा है एन एच टू से, यहाँ पे क्या है, ओ एच का कम दिखा रहा है एन एच टू से, तो ये भी गलत हो गया, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यही ऑर्डर सही है, माइनस आई का एन ओ टू फिर सी एन फिर यक्स, यक्स क्या है, हेलोजन, ये सब हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। 53 नंबर हो गया, देख लो एक बार ऑर्डर। अब चलते हैं 54 नंबर पे, 54 नंबर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए हमने अभी बताया था प्लस एम प्लस एच और प्लस आई, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं किसके, कार्बोकैटायन की, क्यों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी तो स्टेबलाइज होगा, और ये माइनस एम माइनस एच और माइनस आई, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, पहले से कमी है और कमी करेंगे तो डीस्टेबलाइज होगा, ठीक है, तो देखो सबसे पहले, और इसको स्टेबिलिटी सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस, फिर देखते हैं यम, फिर देखते हैं एच, फिर देखते हैं आई, ठीक है, तो रेजोनेंस देखो,
रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, ठीक है। तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, पाई पॉजिटिव और इसमें भी पाई पॉजिटिव, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन हो जाएगा? ये तो रेजोनेंस स्टेबल है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल चौथा, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो रहा है। अब रेजोनेंस देख लिया, अब क्या देखेंगे? हाँ, अब ये तो हो गया रेजोनेंस से, ठीक है। अब इनमें रेजोनेंस सेम है, सब में रेजोनेंस हो रहा है, अब ये देखेंगे किसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, कौन ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। तो इसके रेजोनेटिंग ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ये भी डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, फिर इसके बनेंगे, फिर इसके बनेंगे, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? पहला सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, फिर तीसरा, क्यों? क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा है, फिर दूसरा और फिर चौथा है, ठीक है। कैसे? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है तो क्लेस स्टेबल होगा तीनों से, ये तीनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और इनमें देखेंगे सबसे ज़्यादा रेजोनेंस किस में है, सबसे ज़्यादा रेजोनेंस इसमें है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का आर्डर क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पहला सबसे ज़्यादा, फिर तीसरा, फिर ये कौन सा है? पहला सबसे ज़्यादा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, ठीक है। चौथा सबसे कम स्टेबल है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सबसे ज़्यादा। 54 का कौन सा थर्ड आंसर सही है, देख लो एक बार, 54। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। टाटोमेरिजम के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। टाटोमेरिजम देखने के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए? CON कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब ढूंढो किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कौन किसमें टाटोमेरिजम होगा। टाटोमेरिजम के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए? तो देखो पहले में अल्फा हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होंगे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ देख लो ये दो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मिल गए, तो इसमें टाटोमेरिजम होगा। इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है और ये डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो गया, इसमें कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी है, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अब तीसरे में देखो, तीसरे में यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेगा मेटामेरिजम, टाटोमेरिजम। टाटोमेरिजम के लिए हमें क्या चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए? इसमें कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो तीनों शो करेंगे टाटोमेरिजम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, तीनों शो करेंगे, तीनों, थर्ड आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, ठीक है। टाटोमेरिजम के लिए हमें क्या चाहिए होता है? अल्फा हाइड्रोजन और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, ठीक है, तो तीनों में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक। एरोमेटिक निकालते हैं कैसे? एरोमेटिक के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस। और दूसरे नंबर पे हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल क्या होता है? 4N+2 = π इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, जब n = आ जाएगा 0, 1, 2, 3 ऐसे आ जाएगा, तो होगा एरोमेटिक होगा, ठीक है। और n की वैल्यू अगर क्या आ जाए हमारे पास, फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन जैसे 0.5 आ जाए, हाँ 0.5 आ जाए, 1.5 आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा,
अब चेक करो, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहले क्या देखेंगे, साइक्लिक रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, ये हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल सिंगल, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, ये भी हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस सबसे पहली कंडीशन जो है साइक्लिक रेजोनेंस देखेंगे, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, इसमें भी साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, तो पहले नॉन एरोमेटिक हो गए, और जब साइक्लिक रेजोनेंस मिल जाए तो हम क्या लगाएंगे, हकल रूल को लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें साइक्लिक रेजोनेंस देखते हैं, पहले लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है। अब इसमें हम देखते हैं एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा, तो लगाओ फार्मूला, 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो, ये हो जाएंगे, और ये दो लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जाएगा, तो ये भी काउंट होगा पाई में, ठीक है। तो दो दो चार दो छः, छः हो गया, तो यहाँ 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और जब n इक्वल टू 1 आता है तो क्या लिखते हैं, n इक्वल टू 1 क्या हो गया, एरोमेटिक, ये हो गया एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। इसको चेक कर लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस प्रेजेंट है, तो मतलब या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा, तो फार्मूला लगाओ इस पे, 4n प्लस 2 इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, चार हैं, ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी, तो क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, एरोमेटिक, थर्ड वाला ऑप्शन एरोमेटिक, ठीक है। 56 में कौन सा सही हो गया, थर्ड वाला, देख लो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 56 हो गया, 57 में चलते हैं, हमें पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, पहले ऑप्शन चेक करते हैं, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ये क्या है, बेंजोइक एसिड ये भी है, लेकिन इस पर पैरा पोजीशन पे है, एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर क्या दिया है, सेकंड, ये सेकंड पहले, ये गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, ड्यू टू किसकी वजह से, आर्थो इफेक्ट की वजह से। अगर वैसे अगर हम प्लस आई यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, हाँ, तो ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, तो उससे उल्टा हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का आर्डर, ये ज़्यादा एसिडिक आएगा फिर ये आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, आर्थो इफेक्ट किस में लगता है, आर्थो इफेक्ट लगता है, आर्थो इफेक्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ लगता है, एनिलीन पे लगता है, और एनिलीन पे लगता है, NH2 पे, और बेंजोइक एसिड में लगता है, ये दोनों जगह आर्थो इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, फर्स्ट का एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे तो आर्थो इफेक्ट की वजह से पहले का एसिडिक स्ट्रेंथ दूसरे से ज़्यादा हो जाएगा, कहते हैं आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। मतलब अगर आर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, प्लस एम लगा दो, माइनस एम लगा दो, प्लस आई लगा दो, माइनस आई लगा दो, प्लस एच लगा दो, माइनस एच लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये क्या करेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दो, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा ही, ठीक है, ये होता है आर्थो इफेक्ट। तो ये हो जाएगा पहला, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा दूसरे से, और इसमें देखते हैं दूसरे नंबर में, ये भी एनिलीन है, यहाँ भी आर्थो इफेक्ट लगता है, तो यहाँ पे जो आर्थो इफेक्ट होता है ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है। आर्थो इफेक्ट क्या करता है, यहाँ पे आर्थो इफेक्ट की वजह से आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, प्लस एम प्लस एच प्लस आई कोई भी ग्रुप लगा दो, ये क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम ही करेगा। वैसे अगर नियम से देखोगे तो ये बढ़ाना चाहिए इसके बेसिक स्ट्रेंथ को, लेकिन आर्थो इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो कौन सा ज़्यादा बेसिक हो जाएगा,
बेसिक स्ट्रेंथ लगाएंगे अगर, तो ये तो कम कर रहा है, तो ये सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला कम बेसिक होगा। क्यों? आर्थो इफेक्ट की वजह से। अगर नॉर्मल लगाएंगे तो यही आर्डर आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, एनिलीन में और एसिड में क्या लगता है, आर्थो इफेक्ट लगता है, और आर्थो इफेक्ट की वजह से बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है। यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे, इसके कम बनेंगे, और जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे पाई पाई कॉन्जुगेशन हो, पाई 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 कॉन्जुगेशन मोर स्ट्रॉन्गर होता है देन इससे पाई पॉजिटिव से, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन होगा। और ये वाला जो लोन पेयर है ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा, इस पर सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। हाँ, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे, फर्स्ट से, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम माइनस आई लगाएंगे, यहाँ अगर हम माइनस आई लगाते हैं, ये है लोन पेयर, निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये निगेटिव, अगर हम यहाँ पे माइनस आई लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा कौन, पहले ये होगा फिर ये होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आई नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग लगती है, यहाँ पे क्या होगा, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से ये जो लोन पेयर होता है ये इसके पी ऑर्बिटल में जाता है, यहाँ भी पी में है, यहाँ भी पी में जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। यहाँ पी पाई डी पाई इसका डी ऑर्बिटल में जाता है, ये जो लो नेगेटिव चार्ज है इसके डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है, तो जो पी पाई और डी पाई होता है, पी पाई डी पाई कॉन्जुगेशन जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, ये पी पाई डी पाई ज़्यादा स्ट्रांग होता है किससे, पी पाई से, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इससे, पी पाई और डी पाई, पी पाई और डी पाई की का जो ओवरलैपिंग होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके डी में जाएंगे ज़्यादा जाएंगे, क्यों, ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा ओवरलैप कर रहा है ना, पी पाई डी पाई की जो बैक बॉन्डिंग होती है ज़्यादा स्ट्रांग होती है किससे, पी पाई से। ठीक है, पी पाई डी पाई में जो होती है बैक बॉन्डिंग वो ज़्यादा होती है किससे, पी पाई से, तो इसकी जो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो सेकंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे, फर्स्ट से, तो ऑप्शन चौथा सही है, स्टेबिलिटी ऑफ सेकंड ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा। ठीक है, क्यों, यहाँ पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पी पाई बैक बॉन्डिंग हो रही है, और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होता है किससे, पी पाई से। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, 57 का ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, एक बार देख लो, फिर चलते हैं 58 नंबर में, 58 नंबर में क्या कह रहा है, 58 नंबर देखते हैं, 58 नंबर में कह रहा है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, पिकअप द मोस्ट एसिडिक। ठीक है, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, और ये भी लगाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाता है, माइनस एम, माइनस एच और माइनस आई, ये क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और प्लस एम, प्लस एच और प्लस आई, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पे तो मान लो यम अगर देखेंगे तो ये सब में सेम हो जाएगा, ये माइनस,
अगर कॉन्जुगेट बेस बना रहे हैं, बेस बनाने के लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर कर दो, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, किसकी, निगेटिव की, एनायन बन गया ना ये। अब इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, माइनस आई वाले इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे ना, माइनस चार्ज को कम करेंगे। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, सबसे ज़्यादा माइनस आई किसका हो जाएगा, फुलरीन का, माइनस आई लग रहा है, ये तो हो गया, ये हो गया माइनस आई, माइनस आई ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इसका माइनस आई ज़्यादा है, फिर किसका है, क्लोरीन का है, फिर किसका है, फुलरीन क्लोरीन ब्रोमीन फिर आयोडीन का है, ब्रोमीन फिर आयोडीन, तो फुलरीन का माइनस आई ज़्यादा, ज़्यादा खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाएगा, यहाँ से जो लोन पेयर है उसको कम करेगा, तो लोन पेयर कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कॉन्जुगेट बेस की, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। तो चौथा सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फिर इसका माइनस आई थोड़ा कम है, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, चौथा, 58। अब चलते हैं 59 नंबर में, देख लो एक बार, 59 बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है, बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो पहला देख लो, पहला क्या बना है, ये हमारे पास है बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है, इस पे लगा NH2, ये फर्स्ट हो गया, और दूसरे में क्या है, दूसरे में बेंजीन है, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, ये NH2 है, पैरा पोजीशन पे NO2 लगा है, ठीक है, और तीसरा क्या है, तीसरा है मेटा पोजीशन पे NO2 लगा है, और ये है NH2, ये लोन पेयर है, और ये वाला देखते हैं चौथा, ये तीसरा चौथा नंबर देखते हैं, चौथा है CH2 NH2, ठीक है, ये लोन पेयर है और इसमें कुछ नहीं लगा, ठीक है। अब हमें बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा वो क्या करेगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखो सबसे पहले, फिर यम देखो, फिर यच देखो, फिर आई देखो, ठीक है। तो रेजोनेंस देखते हैं सबसे पहले, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब ये डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज और ये डीलोकलाइज, मतलब ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस है ही नहीं, ये लोन पेयर सिंगल, ये लोकलाइज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये इसमें चल जा रहे हैं रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो स्ट्रांगेस्ट बेस ही पूछा हमसे, चौथा हो जाएगा, चौथा वाला था ना, चौथा हो जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि लोकलाइज है, अवेलेबल है वो, ये सब डीलोकलाइज हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ा कम हो जाएगी, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, चौथा, ठीक है। देख लो एक बार, ये सारे क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो डीलोकलाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी ना, वो लोकलाइज है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम नहीं होगी, वहीं रहेगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। 59 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखते हैं, ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस में है, ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है, देखो CH3 है और C डबल बॉन्ड O माइनस है, O माइनस, ठीक है, O माइनस है यहाँ पे, ये है O माइनस, और दूसरा में क्या है, दूसरे में है बेंजीन सिंगल डबल, और ये क्या है, O माइनस है, ठीक है।
तो हमें स्टेबिलिटी पूछ रही है। स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं एनायन की? एनायन की स्टेबिलिटी जो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एनायन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा बढ़ाएगा, ठीक है। ये देखो ये भी रेजोनेंस में है, ये भी। सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, फिर यम, फिर एच, फिर आई। ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, लेकिन ये जो लोन पेयर है, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ। लेकिन यहाँ देखो पाई पाई कॉन्जुगेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है किसके मुकाबले? पाई लोन पेयर के मुकाबले। पाई पाई कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा तो ये उतना ज़्यादा नहीं आएगा कॉन्जुगेशन में, ये पूरा कॉन्जुगेशन में है। तो इसकी ये कॉन्जुगेशन पूरा है तो निगेटिव चार्ज कम हो, ये लोन निगेटिव चार्ज की वैल्यू कम होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। चार्ज की वैल्यू अगर कम हो रही है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया इससे। अब इसको देखते हैं, ये देखो ये क्या है? रेजोनेंस में जा रहा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस में नहीं है। यहाँ क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है। सी एस टू क्या लगाता है? माइनस आई लगाएगा, ठीक है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे पहले ज़्यादा होता है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई इससे, सही है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या देख लो? अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इसमें थ्री अल्फा हाइड्रोजन है। जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो किसमें होता है? पॉजिटिव में होता है, डबल बॉन्ड में होता है, फ्री रेडिकल में भी होता है। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी उसी तरह देखते हैं जिस तरह पॉजिटिव की देखते हैं, कैटायन की देखते हैं। तो यहाँ थ्री अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे टू अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी इससे, सही है। तो ऑल सारे सही लग रहे हैं, ठीक है, सारे सही हैं, जो आर्डर है वो सही है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन 61 में चलते हैं। 61 नंबर में क्या कह रहा है? 61 में जो कह रहा है, करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, और जो भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहाँ पे बढ़ाएगा वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस। ये क्या है? रेजोनेंस है, रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। और रेजोनेंस क्या हो गया? सेम हो गया, रेजोनेंस से आंसर नहीं आ रहा है। अब क्या देखेंगे? यम, यम को देखते हैं, यम इफेक्ट देखो। यम ये क्या लगाता है? माइनस यम लगाता है। अब ये क्या लगाता है? प्लस एच लगाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो सबसे पहले किसको देखते हैं? यम को देखते हैं। तो ये क्या होगा? माइनस यम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन भी ड्राइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो यहाँ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ दूसरा, सबसे कम बेसिक, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ये प्लस एच है, इलेक्ट्रॉन को देगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? तीसरा, ठीक है। उसके बाद कौन सा होगा? इसमें कोई बढ़ाने घटाने वाला नहीं है, ठीक है, ये घटा रहा है तो इससे तो ज़्यादा होगा ये, तो फिर पहला, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेसिक, तीसरा, फिर पहला, फिर दूसरा। आंसर देखो कोई है? इंक्रीजिंग आर्डर में लगाना है, ठीक है, तीसरा सबसे ज़्यादा, तीसरा सबसे ज़्यादा, फिर पहला, फिर दूसरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, 61 का ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कह रहा है? एमॉन्ग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड, हमें अभी बताया था एरोमेटिक के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, साइक्लिक रेजोनेंस है कि नहीं, उसके बाद क्या देखते हैं? अगर साइक्लिक रेजोनेंस मिल जाए उसके बाद क्या देखते हैं? साइक्लिक रेजोनेंस के बाद क्या देखते हैं? हक्कल रूल को फॉलो कर रहा कि नहीं। दूसरा, होरियन प्लस टू इजकल टू पाई इलेक्ट्रॉन, अगर एन की वैल्यू क्या आ गई? 0, 1, 2, तो क्या हो जाए? एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 0.5 आ गई, 1.5 आ गई, मतलब फ्रैक्शन में आ गई, तो क्या होगा? अगर फ्रैक्शन में आ रही है तो क्या होगा?
तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब निकालो इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये अभी पीछे निकाला था, क्या आया था? एंटी एरोमेटिक आया था। कैसे? ये अभी पीछे निकाला था हमने, क्या आया था? एंटी एरोमेटिक। लगाओ यहाँ पे 4n+2, साइक्लिक रेजोनेंस मिल गया, सही है। अब लगाओ 4n+2 = π, इलेक्ट्रॉन कितने? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 0.5। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। इसमें देखो, इसमें भी n की वैल्यू कितनी, यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस पहले देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव साइक्लिक रेजोनेंस है। अब क्या देखेंगे? साइक्लिक रेजोनेंस है, आप क्या देखेंगे? अक्कल रूल, यहाँ पे क्या आएगा? 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ भी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया। हमें निकालना क्या है? एरोमेटिक। और यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तीसरा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया। यहाँ पे साइक्लिक रेजोनेंस है। अब आपका रूल फॉलो करो, 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। क्या हो गया? एन की वैल्यू 2, तो क्या हो गया? एरोमेटिक। ये हो गया एरोमेटिक, ये क्या हो गया? एरोमेटिक। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था? एरोमेटिक ही निकालना था। इसको निकालोगे ये एंटी एरोमेटिक आएगा, थर्ड एरोमेटिक ही निकालना था, थर्ड हो गया एरोमेटिक। 62, चलते हैं 63 नंबर पे। 63 नंबर में क्या करता, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन डीलोकलाइज। बताना है कि इसमें जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होगा। यहाँ देखो ये लोन पेयर है, कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो लोकलाइज रहेगा ये, लोकलाइज, ये भी लोकलाइज रहेगा, कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये देखो ये डीलोकलाइज होगा कॉन्जुगेशन, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ये डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज। तो हमें क्या पूछा था? डीलोकलाइज, तीसरा ऑप्शन डीलोकलाइज यही होगा। ये तो लोकलाइज रहेंगे, लोकलाइज, ठीक है, क्यों? यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। 63 हो गया। अब चलते हैं 64 नंबर पे, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब -H -I, ये इलेक्ट्रॉन की कमी करते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, +H +M और +I, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। अब देखो ये तो सब में सेम है, NO2 OHOH, ये सब में सेम है OHOH। अब देखो यहाँ -M 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 कितना है? 3 बार है, ये -M, ये -M और ये -M। -M क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर हो जाएगा लास्ट में बच्चा चौथा। सबसे ज़्यादा एसिडिक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एसिडिक चौथा ऑप्शन, ठीक है। 64, चलते हैं 65 नंबर पे। 65 में क्या कह रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोन आयन। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं कार्बोन आयन की? कार्बोन आयन की स्टेबिलिटी क्या होता है? ये क्या होता है? -M -H और -I, इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। और जो +M होता है या +H होता है या +I होता है, ये इसकी स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ रेजोनेंस तो हो नहीं रहा, सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, ठीक है, फिर M, फिर H, फिर I। रेजोनेंस है नहीं, ठीक है, रेजोनेंस नहीं है, अब M भी नहीं है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी नहीं है, अब हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अब क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, अब I देखेंगे। ये क्या है? sp3 है, ये क्या है? sp2 है, और ये क्या है? sp है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसका -I ज़्यादा, -I का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा sp, फिर sp2, फिर sp3, सबसे ज़्यादा -I लगाएगा।
माइनस आई सबसे ज़्यादा लगाएगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी लेके आन लिए ना, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी थर्ड हो गई। उसके बाद ये एस पी टू, ये दूसरा, फिर पहला, ये तो प्लस आई लगाएगा, ठीक है, प्लस आई लगाएगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। थर्ड सेकेंड फर्स्ट कौन सा होगा, थर्ड सेकेंड फर्स्ट, थर्ड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड 65 में। अब चलते हैं 67 नंबर में, 66 में, 66 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है जिसके पास, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल हो इनके पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो या पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। पहले हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसमें डी ऑर्बिटल है, वैकेंट, इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब बचा ये, ठीक है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये चीज और ये चीज एच थ्री ओ प्लस और एन एच थ्री प्लस, एन एच फोर प्लस, ये जो होते हैं ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं और न ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये दोनों चीज ना तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ना ही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ये पूछा नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। तो ये सब तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है, कौन, न तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, न तो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, कौन कौन सा, एच थ्री ओ प्लस और एन एच फोर प्लस, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है 66। और चलते हैं 67 नंबर पे, 'Which of the following is most stable?' हमें स्टेबिलिटी निकालनी है, एन पे माइनस है, सी पे माइनस है, ओ पे माइनस है और सी एस थ्री सी एस टू पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगाएंगे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है उस पर अगर निगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जैसे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा है, चार होंगे, देखो कार्बन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की, इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, इस पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो इनमें क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, मतलब हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब बचा ऑक्सीजन वाला, दो बचे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन, इन तीनों में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन में, कार्बन में, ऑक्सीजन में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल। अब इनमें चेक करते हैं, ये क्या करेगा, ये प्लस आई देगा, क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा, प्लस चार्ज देगा तो इस पे पहले से माइनस है और दे रहा है इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज को और बढ़ा रहा है तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। और ये कम माइनस आई है, ये भी कम करेगा लेकिन इससे थोड़ा कम करेगा, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, कौन सा, थर्ड वाला, 67 नंबर में कौन सा, थर्ड। अब चलते हैं 68 नंबर में, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या बोले अभी, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम मतलब ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को घटाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। जैसे इसमें सी एल टू है, ठीक है, और इसमें सी एल है और इसमें सी एफ थ्री है,
और ये सी एच थ्री है। सबसे ज़्यादा माइनस आई जिसमें होगा, माइनस आई जिसका ज़्यादा, और रेजोनेंस तो लग नहीं रहा है, मीजोमेरिक इफेक्ट तो लग, सबसे पहले क्या देखेंगे रेजोनेंस, फिर यम देखेंगे, ठीक है, फिर यच देखेंगे, फिर आई देखेंगे, ठीक है। ऐसे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, माइनस माइनस कॉन्जुगेट बेस बना लो सबका। अब इसकी स्टेबिलिटी देख लो, इसकी स्टेबिलिटी माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज को जो कम करेगा सबसे ज़्यादा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन कौन कर गया, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन का, क्लोरीन से ज़्यादा होता है, क्लोरीन से ज़्यादा होता है, यहाँ हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, ये तो प्लस आई लगाएगा, प्लस आई लगाएगा ना, तो ये डिस्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, तो सबसे ज़्यादा एच डी की स्ट्रेंथ इसी की होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा, एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है निगेटिव चार्ज को, एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा। 68 में कौन सा हो जाएगा, थर्ड नंबर। अब चलते हैं 69 नंबर में। 69 में क्या पूछा, लीस्ट बेसिक कंपाउंड, लीस्ट बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहाँ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कहाँ है, ठीक है। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। अब इसी को जो सबसे कम कर देगा वहाँ पर, वो सबसे लीस्ट बेसिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मतलब हमें क्या निकालना है, लीस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ मतलब लीस्ट बेसिक निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो देखो कौन करता है, ये माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा क्योंकि रेजोनेंस में है नहीं, ये भी माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस आई लगाएगा, ठीक है, माइनस आई लगाएगा और ये एक पे माइनस आई लगाएगा, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, तो कहीं भी जो जाओ नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ये तो प्लस आई लगाता है, ये प्लस आई लगाता है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक ये हो जाएगा, ठीक है। और सबसे कम बेसिक, यहाँ दो दो माइनस आई है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि दो दो माइनस आई है, इसमें एक ही माइनस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। 69 हो गया। अब चलते हैं 70 नंबर में। 70 में क्या कह रहा है, मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कैसे देखते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अभी बहुत बार बता चुके हैं, प्लस एम प्लस एच प्लस आई, ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई ये स्टेबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, रेजोनेंस में जा रहा है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में, मतलब ये कार्बन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो रेजोनेंस तो काम करेगा नहीं। अब क्या देखेंगे हम, यम इफेक्ट देख लेते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस, फिर यम देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। तो यम यहाँ नहीं है, ये यम नहीं है, ये क्या लगाएगा, यच, यम यहाँ भी नहीं है, यम यहाँ भी नहीं है, वहाँ भी, ये क्या लगाएगा, यच लगाएगा, ये प्लस यच लगाएगा और प्लस आई लगाएगा, ये भी, ये क्या लगाएगा, ये सिर्फ प्लस एच प्लस आई लगाएगा, ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा और प्लस आई लगाएगा, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ये भी देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाँ इसमें कोई देने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, यच तो देखो इसमें और इसमें कंपेयर करो, यच वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, ठीक है, यच तो सेम है दोनों में। अब प्लस आई देखो, यहाँ प्लस आई ज़्यादा है, यहाँ प्लस आई कम है, क्यों, यहाँ से प्लस आई की दूरी बढ़ गई, यहाँ से प्लस आई की दूरी बढ़ गई, और प्लस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, हाँ ठीक है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो प्लस आई ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, दूसरे की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फिर प्लस एच यहाँ पे है, उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अच्छा मोस्ट स्टेबल स्पीसीज पे होता है, मोस्ट स्टेबल सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी हो जाएगा, लेकिन ऐसे आर्डर लगा देते हैं, दूसरा फिर चौथा फिर तीसरा फिर पहला, ये है स्टेबिलिटी का आर्डर, इसमें दूसरा सबसे ज़्यादा स्टेबल,
ठीक है। अब देखते हैं 70 हो गया, 71 नंबर पे देखते हैं। 71 नंबर में क्या है, लीस्ट बेसिक कंपाउंड। लीस्ट बेसिक, बेसिक स्ट्रेंथ, अगर लीस्ट बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। ये क्या लगाएगा, रेजोनेंस तो है नहीं, रेजोनेंस नहीं है, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। अब माइनस आई लगाते हैं, माइनस आई एन ओ टू सी एन, माइनस आई का आर्डर देखो क्या होता है, माइनस आई सबसे ज़्यादा एन ओ टू का होता है, फिर किसका होता है, सी एन का होता है, फिर सी ओ ओ एच का होता है, ठीक है, फिर एक्स का होता है। देखो एन ओ टू का माइनस आई सबसे ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी कम होगी, तो लीस्ट बेसिक पूछा है तो थर्ड वाला ऑप्शन हो गया एन ओ टू, ठीक है। और ये आएगा बाद में सी ट्रिपल वन सी एच, ये बाद में आएगा। ये किसका आर्डर है, माइनस आई का, माइनस आई का। तो 71 में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चलते हैं 72 नंबर में। मोस्ट स्टेबल स्पीसीज, ठीक है, यहाँ क्या दिख रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं 73 नंबर पे। 73 में क्या कह रहा है, द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग, नॉन एरोमेटिक निकालना है इसमें, 1 2 3 4 नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कैसे चेक करते हैं, नंबर 1 में क्या साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस, ठीक है। अगर साइक्लिक रेजोनेंस है तो आगे बढ़ेंगे, किसमें, 2 नंबर पे हक्कल लूल को देखेंगे, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, नॉन एरोमेटिक, देखते हैं, डबल सिंगल सिंगल, यही नॉन एरोमेटिक हो गया, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, क्यों, क्योंकि साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, नो साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस ही नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। तो हमें नॉन एरोमेटिक ही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 1 ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा, ये भी एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक, ठीक है, ये एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 में क्या करें, डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द आयन, यहाँ भी देख लो स्टेबिलिटी ऑफ आयन पॉजिटिव है, तो ये देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन है आयन के, सबसे पहले क्या देखते हैं, रेजोनेंस देखते हैं, ठीक है, फिर यम देखते हैं, ये तो याद हो गया होगा अब तक, तो हम देखते हैं यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी रेजोनेंस है, लेकिन देखो रेजोनेंस होगा नहीं, कैसे, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं, इसमें है, इसमें थर्ड वाला देखो, सी एच थ्री सी एच प्लस सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, अगर हम इसमें रेजोनेंस कॉन्जुगेशन देखेंगे डबल सिंगल पॉजिटिव, तो ये भी स्टेबल होना चाहिए, लेकिन ये क्या होता है, ये मान लो ये लोन पेयर है, इसको इधर लाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, जैसे ये बन जाएगा, देखो सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी ओ पॉजिटिव और सी एच थ्री, तो यहाँ से अनस्टेबल बन रहा है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, अनस्टेबलाइज हो रहा है, मतलब स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता, हम स्टेबिलिटी पाने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, नहीं कि स्टेबिलिटी घटाने के लिए, अगर स्टेबिलिटी घट रही है तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, सीओ, सीओ क्या लगाएगा, ये माइनस आई लगाएगा, ठीक है, माइनस आई लगाएगा, तो स्टेबिलिटी को
घटाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा ना। तो ये क्या है, यहाँ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो सेकेंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। उसके बाद ये अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पे माइनस आई लग रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा थर्ड नंबर लास्ट में, ये हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर। सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड सेकेंड फर्स्ट थर्ड चौथा ऑप्शन, ठीक है, समझ में आया। इसमें रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस दिख रहा है लेकिन होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, पहले रेजोनेंस हमने देख लिया, रेजोनेंस से पता चल गया कि ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यम देख लो, यम यही ज़्यादा स्टेबल होगा, प्लस यम दे रहा है, ये नहीं। और आप क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल हो रहा है, और फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है, ठीक है। इसमें इसमें कितने आएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन है लेकिन यहाँ पे माइनस आई भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे तब भी ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा, ठीक है। माइनस आई नहीं देखना तो अल्फा हाइड्रोजन देख लो, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, ठीक है। 74 का चौथा ऑप्शन सही है। अब 75 में क्या कह रहा है, बेस स्ट्रांग स्ट्रेंथ था, बेस स्ट्रेंथ मतलब जो ज़्यादा बेसिक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। ये क्या है, sp है, ये क्या है, sp3 है, ये क्या है, sp2 है, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये जल्दी नहीं देगा अपना, ये जो लो निगेटिव चार्ज है जल्दी नहीं देगा, ये क्या करेगा, sp3 है, इलेक्ट्रॉन को और बढ़ाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, क्या है प्लस आई देगा ना। तो क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक, पहला। फिर उसके बाद ये देखो, ये भी देगा, ठीक है, ये sp2 है, ये sp है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब जल्दी नहीं देगा, ये दे देगा जल्दी से, इससे जल्दी से देगा। तो क्या हो जाएगा, दूसरा बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी, फिर इसकी सबसे लास्ट में होगी बेसिक स्ट्रेंथ, क्यों, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्यों, sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा फिर तीसरा, पहला पहला दूसरा तीसरा, थर्ड ऑप्शन बेसिक स्ट्रेंथ, पहला दूसरा तीसरा। 75 क्वेश्चन नंबर 3, 75 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलते हैं 76 नंबर पे। 76 में क्या पूछ रहा है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक पूछ रहा है, एरोमेटिक इन करेक्टर, एरोमेटिक कौन सा होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन देखो, पहले हम क्या कह रहा है, इसको तोड़ो, ठीक है, ऐसा तोड़ो कि एरोमेटिक बन जाए, इसको इधर तोड़ते हैं, इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, साइक्लिक रेजोनेंस है, फिर 4n+2 लगाओ, 4n+2 = π इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 0, तो एरोमेटिक। यहाँ पे इसको इधर तोड़ो, इसको इधर नहीं, इसको इधर तोड़ो, ठीक है, इधर तोड़ोगे तो एंटी एरोमेटिक, इसको इधर तोड़ो, इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर इसको चेक करो, फिर इसको चेक करो, ठीक है। यहाँ 2, 2, 4, 2, 6 हो गया तो एरोमेटिक हो गया, यहाँ 2, ये भी एरोमेटिक हो गया। अब इसको देख लो, ये इसको इधर तोड़ो, ठीक है, इधर तोड़ दिया, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। अब इसको देखो, 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है, 6 π इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, 6 π इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक हो गया। ऐसे भी देख सकते हो, हाँ, एन से भी देख सकते हो, यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, 4n+2 = 6 π इलेक्ट्रॉन, n = 1 आ गया। और यहाँ पे भी देखोगे, 6 π इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, यहाँ एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो जब एन की वैल्यू 0, 1, 2 होती है तो ये होते हैं एरोमेटिक, ये अभी 2-3 बार हमने बता दिया आपको, तो ऑल हो जाएगा, सारे एरोमेटिक हैं, ठीक है। 76 का चौथा, अब देखते हैं कौन, 77 मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोएनायन कौन सा है,
मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन अमॉन्ग द फॉलोइंग, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, ठीक है। ये रेजोनेंस में स्टेबिलिटी आप कार्बोनाइन कैसे देखते हैं, पहले देखो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में जा रहे हैं, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, क्यों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते हैं। सबसे पहले देखो रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में नहीं है, ये रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में है और ये भी रेजोनेंस में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन, पहला ऑप्शन सबसे ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब इन तीनों में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, अब रेजोनेंस हमने देख लिया, अब क्या देखेंगे, यम देखेंगे, यम इफेक्ट देखो किसमें, यम इफेक्ट, यहाँ पे प्लस यम लग रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा, प्लस यम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी को घटाएगा, उसके बाद हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ये क्या करा है, ये माइनस यम है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, चौथा, फिर दूसरा, ये स्टेबिलिटी का आर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा सब मोस्ट स्टेबल कार्बोनाइन, चौथा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, ठीक है, देख लो। अब 78 नंबर में चलते हैं, 78 नंबर में क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ CH3 का होल क्यूब सी, ये चीज़ बना है ये और ये, व्हेन अटैच टू बेंजीन आर अनसैचुरेटेड ग्रुप इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इसको हम जोड़ते हैं किससे, मान लो बेंजीन से, बेंजीन से जोड़ दिया हमने, ठीक है, ये है बेंजीन, ठीक है, इससे जोड़ दिया, क्या जोड़ा सबसे पहले, CH3, ठीक है, पहला हो गया ये, और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में क्या जोड़ रहा है, CH3 C C C, और ये क्या है, ये अच्छा है, ये जोड़ रहा है दूसरे में। अब तीसरे में CH3 CH2 और CH3 है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अल्फा हाइड्रोजन जीरो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन जीरो, यहाँ देखो अल्फा हाइड्रोजन जीरो, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन वन और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन टू, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की इफेक्ट है, सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा CH2 है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, दो हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा सबसे ज़्यादा, ये वाला करेगा, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये अल्फा हाइड्रोजन दो है, यहाँ एक है, यहाँ जीरो है, तो डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होगी, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन दो है, यहाँ एक है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा डोनेट नहीं करेगा। 78, अब चलते हैं 79 नंबर पे, 79 में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द करेक्ट आर्डर ऑफ पी के ए वैल्यू, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसका पी के ए ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर लगा लेते हैं, हाँ, ये क्या है, नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, ये देखो, ये तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये कॉन्जुगेशन में है, ये डीलोकलाइज है, मतलब डीलोकलाइज, ये क्या है, लोकलाइज है और ये भी लोकलाइज है। अब दो हमें लोकलाइज मिल गए और एक डीलोकलाइज है, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी ए की, ठीक है। अब इन दोनों में चेक करो, ये क्या है, ये sp2 है और ये 1, 2, 3 और 4, ये sp3 है, ठीक है, तो ये sp2 है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देगा, ये जल्दी नहीं देगा, और जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे देता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, बी, ठीक है, बी हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सी, ठीक है, बी सी ए, बी सी ए,
ऑप्शन नंबर थर्ड 79। अब चलते हैं 80 नंबर पे। 80 नंबर में क्या कह रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोनियम कार्बन फ्री रेडिकल। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या देखते हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव का देखते हैं कार्बो कटायन का, उसी तरह फ्री रेडिकल का भी देखते हैं। यहाँ क्या देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में, पॉजिटिव में होता है, सी डबल बॉन्ड सी में होता है और फ्री रेडिकल में भी होता है। तो हम क्या देख लेंगे, सबसे पहले देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं। इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें रेजोनेंस है। रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल यही हो जाएगा, बी वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब इनमें रेजोनेंस नहीं है, अब क्या देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें कितने हो जाएंगे, 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, 9 नहीं होंगे, इसमें सी एस थ्री है ना, देखो इससे सी 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 हाँ 9 हो जाएंगे, ये फ्री रेडिकल। ये डायरेक्टली अटैच कार्बन को क्या अल्फा कार्बन बोलते हैं, इससे अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन। 9 वाला सबसे ज़्यादा, बी के बाद क्या हो गया, ए हो गया, फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बी ए सी डी, बी ए सी डी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, सही है। 80 हो गया, अब 81 में चलते हैं। 80 पूछ रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 5 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, अल्फा हाइड्रोजन कम, स्टेबिलिटी कम, सबसे कम स्टेबल थर्ड। 81 हो गया, अब 82 में चलते हैं। विच कंपाउंड कैन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, मतलब रेजोनेंस किस में हो रहा है, ये भी रेजोनेंस है, पाई पाई रेजोनेंस है, पाई लोन पेयर पाई, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऑप्शन नंबर 4 चौथा, क्योंकि ये लोन पेयर जा रहा है ना रेजोनेंस में, ये पाई पाई रेजोनेंस है, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल लोन पेयर, 82 का कौन सा चौथा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में। मैक्सिमम एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। यह यहाँ से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम कौन कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज को कौन, मान लो कॉन्जुगेट बेस बना लिया हमने, अब देखते हैं उसमें कौन स्टेबल है, माइनस आई और यहाँ पे कोई माइनस आई नहीं है, ठीक है। तो ये नज़दीक माइनस आई क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ती है तो माइनस आई कम होता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, यहाँ माइनस आई सबसे कम होगा, इसको कम स्टेबल करेगा यहाँ, और यहाँ सबसे कम यहाँ सबसे ज़्यादा माइनस आई है, क्यों, डिस्टेंस सबसे कम है तो इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल करेगा, माइनस आई है, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, स्टेबलाइज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, पहला। यहाँ भी माइनस आई है लेकिन थोड़ा दूर है, ठीक है, सबसे पास माइनस आई ये है। 83 का कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, 83 का आंसर फर्स्ट, ये माइनस आई है, सबसे नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये निगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, स्टेबिलिटी को स्टेबल ज़्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब चलते हैं 84 नंबर पर। टाटोमेरिज्म इन नॉट पॉसिबल, टाटोमेरिज्म के लिए हमने क्या बताया, टाटोमेरिज्म के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए, CONJ कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नॉट पॉसिबल लिखा है, नॉट पॉसिबल मतलब जिसपे अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, जीरो हो या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जीरो हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है डबल सिंगल, ये कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन है, ये करेगा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ये भी करेगा, इसमें देखो कॉन्जुगेटेड नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं करेगा, थर्ड वाला क्या है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन होने चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए,
ये डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, कार्बन है, कार्बन है, तो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एबसेंट, मतलब टाटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसको देखते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, यस। ये क्या हो गया, एस पी टू हो गया, यहाँ से अटैच ये, इसके एक दो दो पे तो कार्बन है लेकिन एक अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये टाटोमेरिज्म शो करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा, थर्ड वाला, 84 का ऑप्शन नंबर थर्ड। अब चलते हैं 85 नंबर पे, पी के ए वैल्यू निकालना, पी के ए मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पी के ए ज्यादा, ठीक है। अगर एस टी की स्ट्रेंथ से कंपेयर करेंगे, एस टी की स्ट्रेंथ ज्यादा, के ए ज्यादा और पी के ए कम, पी के ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम एस डी की स्ट्रेंथ का आर्डर लगा लेते हैं। एस डी की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन, ये मान लो माइनस कॉन्जुगेट एस बना लिया, कॉन्जुगेट बेस बना लिया। अब देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है, ठीक है, ये क्या है, माइनस आई लगाएगा, ये माइनस आई सबसे ज़्यादा, माइनस आई एफ का होगा तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा माइनस है, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, इसकी एस डी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगी, फिर सी एल की हो जाएगी पहला, फिर किसकी हो जाएगी, थर्ड की हो जाएगी। ये हमारे पास क्या आया, एस डी की स्ट्रेंथ का आर्डर आया, और एस डी की स्ट्रेंथ का उल्टा क्या है, पी के ए है, तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट, अरे ये क्या, कौन सा था, ये थर्ड, थर्ड हो जाएगा, फिर सेकेंड फर्स्ट फिर सेकेंड, ये क्या पी के ए वैल्यू हो जाएगी। एस डी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा दूसरे का, फिर पहले का, फिर तीसरे का, पी के ए वैल्यू क्या हो जाएगी, पी के ए सबसे ज़्यादा तीसरा, पहला फिर दूसरा, तीसरा तीसरा पहला फिर दूसरा, ऑप्शन नंबर फोर, तीसरा पहला फिर दूसरा, ऑप्शन नंबर फोर 85 का, ऑप्शन नंबर फोर सही है 85। अब चलते हैं 86 नंबर पे, 86 पॉजिटिव मेरी मीजो मेरी इफेक्ट, पॉजिटिव एम इफेक्ट मतलब प्लस सी एम इफेक्ट किसमें नहीं होगा, ये पूछा है। प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाते हैं, लोन पेयर वाले दिखाते हैं, जिनके पास लोन पेयर होता है प्लस एम दिखाते हैं, ठीक है, और माइनस एम, माइनस एम वाले क्या दिखाते हैं, माइनस एम या तो, माइनस एम या तो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक है, क्या दिखाते हैं, माइनस एम दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ये क्या दिखाएगा, प्लस एम दिखाएंगे, ये प्लस एम, प्लस एम, प्लस एम, और ये क्या होगा, माइनस एम, कैसे, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जैसे ये बनाएंगे एन डबल बॉन्ड ओ, कैसे बनाएंगे, एन डबल बॉन्ड ओ ओ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव आ गया, पार्शियल पॉजिटिव मतलब माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ठीक है, क्या करेगा ये, माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा, कौन सा, चौथा, हमसे पूछा पॉजिटिव एम इज नॉट ऑफ 400, क्वेश्चन नंबर चौथा, मतलब 86 में कौन सा सही है, ये क्या दिखाएगा, ये माइनस एम दिखाएगा और ये सारे प्लस एम दिखाएंगे 86। अब देखते हैं 87 नंबर, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म, पहले ये बताओ किसमें टाटो में की नॉट सो, मतलब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन दो है, एच एच अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये दिखाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ये नहीं दिखाएगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट मतलब ऐसे जीरो लिख लो, अल्फा हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन जीरो और कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी जीरो है, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन भी जीरो, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन जीरो है, ठीक है, तो ये नहीं दिखाएगा। और इसमें देखो, इसमें ये ब्रिज हेड का ब्रिज ये है, ठीक है, एस पी टू अल्फा हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या है, ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, और ब्रिज हेड हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है,
ब्रिज हेड कार्बन पे जो है, ब्रिज हेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये नहीं करेगा और ये नहीं करेगा, ये करेगा। अब बी और सी, बी और सी ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, ये नहीं शो करेगा क्या, टाटोमर्जम। 87 हो गया। अब 88 नंबर में मोस्ट एसिडिक पूछ रहा है, एसिडिक कौन, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, एसिडिक कौन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। अब इसमें क्या है, हमें फिनॉल है और एसिड है, ये एसिडिक ग्रुप है और ये फिनॉल ग्रुप है, तो इसमें एसिडिक कौन होता है, सी ओ एच ज़्यादा एसिडिक होता है, किससे, ओ एच से, ओ एच से ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ये होता है, ओ एच से ज़्यादा एसिडिक होता है सी ओ ओ एच, ठीक है। तो क्या देखेंगे इसमें, अब तो इसमें इन दोनों में देखना है, ये तो ज़्यादा एसिडिक नहीं होंगे ना, इन दोनों में देखना है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, ये तो प्लस एच लगाएगा तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा प्लस एच लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। जब ये प्लस एम लगा के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यहाँ पे कोई नहीं है तो चौथा ज़्यादा एसिडिक होगा, क्यों, यहाँ पे कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाला, तो विच इज मोस्ट एसिडिक, चौथा, ठीक है, चौथा मोस्ट एसिडिक हो गया 88 का। अब 89 का कौन सा होगा, 89 देखते हैं, एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक देखते हैं, ठीक है, एरोमेटिक, एरोमेटिक सबसे पहले साइक्लिक रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में साइक्लिक रेजोनेंस है। अब देखते हैं हक्कल रूल, इसमें इसमें लगाते हैं 4n+2, ठीक है, कि दो दो चार दो छः एरोमेटिक, दो दो चार दो छः एरोमेटिक, दो दो चार एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो ठीक हो गया, ये यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, तो ए बी सी, ए बी डी ओनली, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज है और ये भी निगेटिव चार्ज है, हाँ, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक, एक दो तीन, ए बी डी ये हो जाएंगे एरोमेटिक, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक, ठीक है, ए बी डी एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक, हमें क्या निकालना था, एरोमेटिक इन नेचर। 89 का कौन सा, चौथा सही है, 89 का चौथा सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 हो गया, 90 पे, मोस्ट द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, मोस्ट एसिडिक, एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। ये मान लो कॉन्जुगेट बेस बना लिया हमने, माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो सब में ये सेम है, रेजोनेंस सब में सेम है, ठीक है, रेजोनेंस देख लिया। अब देखते हैं कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ये क्या लगाएगा, माइनस एम, ये लगाएगा प्लस एम, ठीक है, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमॉन्ग द फॉलोइंग, ये क्या लगाएगा, प्लस एच लगाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ये क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन की कमी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसके पास, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट फर्स्ट 90 का, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। 91 नंबर में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस आई लगाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये माइनस आई, ये माइनस आई और ये माइनस आई, माइनस आई क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, सबसे ज़्यादा माइनस एच, माइनस एम
माइनस एच और माइनस आई, माइनस आई क्या करेगा, माइनस आई ज़्यादा, एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा। और यहाँ माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस कम माइनस आई ज़्यादा, डिस्टेंस कम माइनस आई ज़्यादा, एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा। पहले की एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है, एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा, और दूसरे उसके बाद दूसरे की, उसके बाद तीसरे की, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रही है, माइनस आई कम होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कम करेगा, एच डी की स्ट्रेंथ को कम कम करेगा, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 91 का पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब चलते हैं 92 नंबर पे, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेसिक स्ट्रेंथ क्या, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है, बेसिक स्ट्रेंथ उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, हम ऐसे ग्रुप को ढूंढेंगे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अब ये देखो, ये तो रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है, मतलब ये डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है, और ये क्या होगा, ये लोकलाइज होगा, क्या होगा, लोकलाइज होगा, लोकलाइज मतलब ये अवेलेबल होगा, ये तो रेजोनेंस में चला जाएगा, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ये लोकलाइज होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, स्ट्रांगेस्ट बेस यही होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। 92, अब चलते हैं 93 नंबर पे, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट मतलब अल्फा हाइड्रोजन जीरो, ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, छः अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें छः अल्फा हाइड्रोजन, इसमें इसमें एक दो तीन एक अल्फा हाइड्रोजन, इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें दो तीन पाँच अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें डायरेक्टली ऐसा है जीरो अल्फा हाइड्रोजन, जीरो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इसी में एब्सेंट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, 93 का तीसरा, चौथा, 93 का चौथा। अब चलते हैं 94 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0.5 1.5 फ्रैक्शन में आनी चाहिए, ठीक है। इसमें लगाते हैं, इसमें दो 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 चार दो छः, ये एरोमेटिक हो गया, ये एन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, दो, ये भी एरोमेटिक हो गया, इसमें चार एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो गया, और ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, ठीक है, ये निकालना भी बता चुके हैं पीछे, एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, कौन सा, तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक ही निकालना है, 94 का पहला, ठीक है, इसमें छः, इसमें दो, इसमें चार, इसमें चार, ठीक है, चार होते हैं तो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और छः होते हैं तो एरोमेटिक, दो होते हैं तो एरोमेटिक। 94 चलते 95 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल एल्कीन, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, और हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन जीरो, अल्फा हाइड्रोजन जीरो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तीन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन दो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एक, तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, दो में, सबसे ज़्यादा स्टेबल सेकेंड। अब 96 नंबर पे चलते हैं, 96, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस कार्बोएनायन, 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 ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी, कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी, यहाँ देखो, यहाँ लोन पेयर है, हाँ ये निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ जो निगेटिव चार्ज है, हाँ ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये लोन पेयर है, तो ये कॉन्जुगेशन में है, इसके साथ लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल, ठीक है, लोन पेयर निगेटिव सिंगल डबल,
लोन पेयर सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर से भी इधर से भी, तो इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस कॉन्जुगेशन। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। और ये क्या हो रहा है? कॉन्जुगेशन हो रहा है, इधर इधर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ये कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, और ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। और जहाँ कॉन्जुगेशन होगा ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है, ये लोन पेयर भी आना चाहता है और निगेटिव चार्ज भी आना चाहता है, ठीक है, इसलिए दोनों नहीं आ पाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इससे कम हो जाएगी। ये भी आना चाहता है, ये भी आना चाहता है कॉन्जुगेशन में, ठीक है, तो इसकी ये तो पूरा आ जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है किसकी? कॉन्जुगेशन वाले की, और क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले की कम हो जाती है पहले की, लेकिन इससे ज़्यादा होगी क्योंकि ये तो कॉन्जुगेशन में ही नहीं है। थर्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? सेकेंड, ये कॉन्जुगेशन में है, इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन, दोनों कॉन्जुगेशन में आना चाहता है, सेकेंड सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सेकेंड सबसे ज़्यादा, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर। यहाँ क्या हो रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ क्रॉस कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये भी आना चाहता है, ये लोन पेयर भी, यहाँ कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 96, 97 नंबर, में क्या कह रहा है? करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ देखते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन में है, ये भी ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, लोकलाइज है, लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, ये डी लोकलाइज है, ये भी डी लोकलाइज है, ठीक है। जो डी लोकलाइज हो जाता है वहाँ की उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, किससे? लोकलाइज वाले से। अब ये दोनों, इन दोनों में कौन होगा? ये भी लोकलाइज है, ये भी लोकलाइज है, इसमें देखते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है, और यहाँ क्या आता है? sp2 आता है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये जो नाइट्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, तो जल्दी नहीं करेगा तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी इससे, तो मतलब सेकेंड वाले का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा फिर इसका होगा, थर्ड वाले का, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, इन दोनों में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? ये जो लोन पेयर है डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में है, ये डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पाई पाई कॉन्जुगेशन ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा होगी, मतलब फोर्थ, फिर कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। 97 हो गया, अब 98 नंबर पे चलते हैं। करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे? रेजोनेंस, फिर क्या देखेंगे? यम देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? यच देखेंगे, फिर क्या देखेंगे? आई देखेंगे, यम देखा, फिर यच देखा, फिर आई देखा, ठीक है। तो यम देखते हैं रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में है, लोन पॉजिटिव लोन पेयर, ये भी रेजोनेंस में है, ये रेजोनेंस में नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा हो जाएगा? दूसरा, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस अब क्या हो गया? इसमें सेम है, इसमें दोनों में रेजोनेंस सेम है, अब क्या देखेंगे? मीजोमेरिक इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कितने हैं? एक अल्फा हाइड्रोजन, एक इसमें कितना है? एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, किससे? इससे, मतलब थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, ठीक है, थर्ड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, सेकंड कितना? सबसे लास्ट में, कौन सा ऑप्शन है? थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, देख लो एक बार, इन दोनों में रेजोनेंस है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल ये हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, तो रेजोनेंस सेम है, रेजोनेंस सेम है तो क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या देखते हैं? अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, अल्फा हाइड्रोजन दो है, अल्फा हाइड्रोजन एक है, ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल, 98। अब 99 नंबर देखते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इसमें जो अमीन में देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ,
अगर इसका बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए अगर R ग्रुप जो है वो CH3 लगाए, हाँ, तो होता है 2213, मतलब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, फिर NH3। ये बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होता है, बेसिक स्ट्रेंथ का, कौन, जब R ग्रुप की जगह CH3 हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, R ग्रुप की जगह क्या है, CH3 ही है, तो ये आर्डर लगाओ, पहले 2 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री है, तो Q पहले आ जाएगा, फिर 1 डिग्री कौन सा है, ये 1 डिग्री है, फिर P आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है, फिर R आ जाएगा, फिर NH3 आ जाएगा, NH3 कौन सा है, यस है। ठीक है, जब R की जगह क्या हो, CH3 हो, और जब R की जगह C2H5 आ जाएगा, मतलब जहाँ ये CH3 है, ये जो CH3 है, अगर C2H5 आ गया, तो वहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होता है वो होता है 231 और NH3, मतलब 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर NH3, कब, जब R की जगह C2H5 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, Q P R S, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 QPRS 99। अब 100 नंबर में चलते हैं, 100 नंबर में क्या है, बीच अमॉन्ग द गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्सिबिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, और या तो अल्फा हाइड्रोजन हो या तो कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन पहले देखो, ये क्या है, sp2 यही है, यहाँ से ये ब्रिज हेड हाइड्रोजन है, ये क्या होता है, ये टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसमें टाटोमेरिज्म नहीं होगा, इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 0, यहाँ पे ये ब्रिज हेड कार्बन है, ये कार्बन से लगे जो हाइड्रोजन होते हैं वो टाटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो यहाँ भी नहीं होगा टाटोमेरिज्म। यहाँ देखो, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, ये वाला तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन आ गए, तो ये टाटोमेरिज्म करेगा, कौन सा, ये दोनों नहीं करेंगे, सिर्फ थर्ड वाला करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, फर्स्ट, ओनली थर्ड। ठीक है,